नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि वहां फंसे कम से कम 15,000 तीर्थ यात्रियों को यहां निचले आधार शिविर पंचतरणी स्थानांतरित किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थस्थल देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा के समीप मची तबाही बादल फटने के कारण नहीं हुई, बल्कि स्थानीय स्तर पर बेहद तेज बारिश की एक घटना के कारण हुई। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जयपुर में शुरू हो गई। शनिवार को एक होटल में कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक शुरू हुई है। कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए शनिवार को देश के 20 से अधिक शहरों में संवाददाता सम्मेलन कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के शांति मार्च के कारण शनिवार को मध्य दिल्ली की कई सड़कें अस्थायी रूप से बंद रही। यातायात पुलिस ने यह जानकारी दी। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 18,840 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,36,04,394 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,028 पहुंच गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के मुख्य संदिग्ध आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी को शनिवार को एक बार फिर से वाईएसआर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जा सकता है। इस बार उन्हें आजीवन यह पद सौंपे जाने की संभावना है। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड को शुक्रवार को बताया कि वह उसके अधिग्रहण का समझौता रद्द कर रहे हैं। इसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को $44 अरब में खरीदने का उनका सौदा खटाई में पड़ता दिख रहा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का पार्थिव शरीर शनिवार को टोक्यो लाया गया। आबे की शुक्रवार को पश्चिमी जापान में एक चुनावी सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में गर्भपात पर रोक लगाने के शासकीय आदेश पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उन्होंने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए लोगों से इस फैसले से निराश न होने की अपील की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन और बीजिंग के बीच हाल ही में बड़ी कड़वाहट को खत्म करने या कम करने की कवायद के तौर पर शनिवार को चीन के अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। जापान के साथ क्वाड समूह की स्थापना करने वाले देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर शोक व्यक्त किया है। क्वाड के नेताओं ने कहा कि आबे ने समूह की स्थापना में रचनात्मक भूमिका निभाई और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने को लेकर अथक प्रयास किए। भारत और इंग्लैंड के बीच एस्बेस्टन में खेले गए 5वें टेस्ट मैच में भारतीय प्रशंसकों के साथ नस्ली दुर्व्यवहार के आरोप में बर्मिंघम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शानदार लय में चल रहे इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट की दोनों पारियों के अलावा पिछली 5 पारियों में अपने बड़े स्कोर का श्रेय कोविड-19 प्रोटोकॉल से मुक्ति और नए मुख्य कोच ब्रेंडन मैकलम की देखरेख में अपनी भूमिका की स्पष्टता को दिया है। नमस्कार।